हेलो, वेलकम टू रोज एजुकेशन. दिस इज रोज मीयर. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इस वीडियो में हम लोग मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल. हमने लास्ट वीडियो में सीखा था मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ओन, कंट्रोल, मैनेज और फिनेंस करती है. तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आता है. इट इज़ अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसलिए पॉइंट दिया गया है डायरेक्ट कंट्रोल. सेकेंड पॉइंट इज ऑफ डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. आप लोग ने टीवी में देखा होगा जब बजट अनाउंस होता है, डिक्लेयर होता है, तब अमाउंट एलोकेशन होता है. पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इतना अमाउंट, डिफेंस के लिए इतना अमाउंट, रेलवेज के लिए इतना अमाउंट. तो उसका मतलब फंड्स कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से आता है इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो उसी हिसाब से जब भी रेवेन्यू अर्न करती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही जाएगा या गवर्नमेंट के खजाने में ही जाएगा. से फॉर एग्जांपल, रेलवेज में फेयर्स, टिकट फेयर्स, यानी कि लोगों को ट्रैवल करने के लिए टिकट दिया जाता है, तो उसके लिए पैसे लिया जाता है लोगों से. तो वो कहाँ पर जाएगी? वो जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है रेलवेज का, वो कहाँ पे जाएगी? ऑब्वियसली वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही जाएगी. ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट के खजाने में ही जाएगी. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज मेंशन डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट इज ऑफ लेस ओवरहेड्स. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसी वजह से ओवरहेड एक्सपेंसेस काफ़ी कम होती है. ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस लगते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एक्सेट्रा, वो सब काफ़ी कम होती है. बिकॉज डायरेक्टली ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑपरेट करता है. तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है काफ़ी कम होती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में. फोर्थ पॉइंट इज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स. अभी आप लोग ने टीवी में देखा होगा कि पार्लियामेंट में कुछ कुछ मिनिस्टर्स को क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप लोग ने इतने फंड्स लिए थे, उसमें से आपने बोला था ये सब करेंगे, लेकिन आप लोग से ऐसे गलतियां कैसे हुई, क्यों हुई? ओके, तो उसके बारे में सब डिस्कशन किया जाता है. तो इसके वजह से उनको, मिनिस्टर्स को उसका डर रहता है. तो इसके वजह से प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स मोस्टली होता है, या तो ऐसे बोल सकते हैं चांसेस जो मिसयूज ऑफ फंड्स या फंड्स का दुरुपयोग करने का चांसेस या पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में. और इसके अलावा जो है टाइमली ऑडिटिंग भी होता है. तो इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फंड्स जो है वो प्रॉपरली यूज़ किया जाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में. फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एंड सुपरविजन किया जाता है क्वालिफाइड स्टाफ के द्वारा. जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो IAS IPS कैडर के होते हैं. इसके अलावा जो बाकी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है प्रॉपर चैनल के थ्रू. उनका रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन किया जाता है UPSC एग्ज़ाम्स के द्वारा, या तो फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एक्सेट्रा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, तो उनके द्वारा मैनेज एंड सुपरविजन किया जाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का. तो ऑब्वियसली वो मेरिट हो गया, राइट? सिक्स्थ पॉइंट इज ऑफ मेंटेन्स सीक्रेसी. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेसी मेंटेन करती है पॉलिसी मैटर्स पे, और सही तरीके से एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का ख्याल भी रखते हैं. जैसे आप लोग ने देखा होगा कि डिफेंस रिलेटेड जो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है, वरना ये
नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें जो है सीक्रेट्स मेंटेन करना बहुत ही एसेंशियल होता है या बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है। सो दीज आर द सिक्स मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ डी मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।